हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 11 और 12 क्लास का एमसीक्यू क्वेश्चंस फिजिक्स का, और पूरा यूट्यूब में आपको कहीं इतना सारा एमसीक्यू का कलेक्शन नहीं मिलेगा। और अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम डिस्कस करते हैं आज का जो एमसीक्यू है उस पर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। तो जितना भी यदि आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं वहां से। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस। और वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, और जितना भी पहले का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं कि आपका जेईई मेंस का कौन सा ईयर का क्वेश्चन आया हुआ नहीं आया हुआ पता नहीं चल पा रहा। तो इसमें सारा का सारा हम लिख दिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ईयर का आया हुआ है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आज का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर कि कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको कैप की रखा गया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसपे क्या काम करेगा? सिर्फ उसमें फोर्स काम करेगा, टॉर्क दोनों काम करेगा? ना ही फोर्स काम करेगा ना ही टॉर्क काम करेगा। टॉर्क काम करेगा बट फोर्स काम नहीं करेगा, फोर्स काम करेगा बट टॉर्क काम नहीं करेगा। तो चलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आप चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन किए थे सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो डायपोल का कंसेप्ट होता है। डायपोल में क्या रखा रहता है? एक माइनस चार्ज होता है एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है एक प्लस चार्ज होता है। यहां पर माइनस का रोल कौन निभाता है? मैग्नेटिक नीडल में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज होता है वो साउथ की दिशा बिहेव करता है, प्लस वाला नॉर्थ की दिशा। हम लोग सिमिलरिटी ले सकते हैं, यहाँ पर दो पोल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन था फील्ड और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स काम करता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, नेगेटिव में अपोजिट होता है। यदि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया था कोई भी डायपोल को तो वहां नेट फोर्स का वैल्यू जीरो था, फोर्स का वैल्यू जीरो था, बट टॉर्क का जो वैल्यू था पीई साइन थीटा था। पीई साइन थीटा या इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला था पी क्रॉस ई, ये फॉर्मूला। इसी तरह यदि यहां पर बात किया जाए तो मैग्नेटिक डायपोल है, कोई नीडल रखा हुआ है इसमें, इसमें भी फोर्स काम करेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क का काम करेगा पी की जगह पे एम लिखते हैं, एम बी साइन थीटा काम करता है। ये कहानी किसका? यूनिफॉर्म का। ये कहानी किसका है? यूनिफॉर्म का। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया नॉन यूनिफॉर्म पूछा गया, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया नॉन यूनिफॉर्म है। जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो दोनों के पास जो फोर्स का वैल्यू रहेगा यहाँ का वैल्यू, यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू रहेगा वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के केस में याद रखना आपको बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म का जो कहानी लिखाएगा जस्ट उल्टा लिखाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में आपका यहाँ फोर्स भी जीरो नहीं होगा और टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। इसी तरह मैग्नेटिक नीडल में जब रखा जाएगा फोर्स भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट का आंसर है मैच कराइए हमसे, कौन सा आंसर सही है आपका? तो फर्स्ट का जो सही आंसर है यहाँ पर, इस पर फोर्स भी काम करेगा और टॉर्क भी काम करेगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कृपया करके आप सारा थ्योरी एक बार देख लें चैप्टर 5 का, और आप थ्योरी देख के नहीं आइएंगे तो फिर आपको सारा कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो थोड़ा बहुत हम इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, विदाउट ट्रस्ट आपको कुछ होने वाला नहीं है कि हाँ हम जो बता रहे हैं वो जो मेथड हम आपको बता रहे हैं नो डाउट कि बहुत ही अच्छा है, बट हाँ थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कीजिए। और ऐसा नहीं हाँ कि जो आपका चैनल छोटा है तो बहुत छोटा सा बात बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, और कोई भी चीज़ ग्रो करता है ना तो नीचे से ही करता है, अचानक कोई चीज़
कोई भी कंपनी आया तो अचानक से नहीं आया, तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत, चलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है कि कोई मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है और जो वर्क है वहां पर डब्ल्यू दिया हुआ है, तो उसमें टर्न करना है कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो टॉर्क कितना लगेगा उस पर। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला बताया है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो यहां से आपसे टॉर्क का वैल्यू पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, थीटा तो मेरा दिया हुआ है, ये एम बी का वैल्यू नीचे से कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे वाले से एम बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर थीटा वन और थीटा टू देखते हैं हमें क्या चीज दिया हुआ है। स्टार्टिंग में जो नीडल आपका पैरेलल रखा हुआ था, तो पैरेलल के लिए हम थीटा वन का वैल्यू जीरो ले लिया, यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ था, थीटा वन का वैल्यू जीरो ले लिया। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका, और यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल रखा हुआ है, यहाँ पर जो थीटा वन का जो वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, जीरो डिग्री। इसको रोटेट कराना है, इसको रोटेट कराया गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। थीटा टू का वैल्यू कितना ले लिया, 60 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। चलिए डब्ल्यू का जो वैल्यू था, तो डब्ल्यू का वैल्यू था आंसर एम बी कॉस थीटा वन, तो कॉस जीरो हो गया, माइनस कॉस थीटा टू, कॉस 60 हो गया। एम बी कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, कॉस 60 वन बाई टू होता है, तो 1 माइनस 1 बाई टू 1 बाई टू हो गया, तो ये W का वैल्यू आ गया एम बी बाई टू। यहाँ से एम बी का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से एम बी का वैल्यू आ गया 2W। चलिए अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा उसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू, चलिए वैल्यू पुट कीजिए इसका। तो यहाँ से आपका टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, टॉर्क का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर एम बी के जगह पर 2 ओमेगा लिख दिए, और साइन थीटा के जगह 60 डिग्री था, ये हो जाएगा 2W साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3 बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया रूट 3W। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ दो फॉर्मूला याद रखना था, एक टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा और एक वर्क का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जहां पर थीटा वन इनिशियल पोजिशन होता है डायपोल का जो एंगल बना रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और कितना वो एंगल रोटेट कर रहा होता है। चलिए इसका आंसर मैच कराइए, इसका आंसर कौन सा आपका देखिए, इसका जो सही आंसर है सी नंबर सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान दीजिए, बोलता था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन एआई पहली 2003 में पूछा हुआ है, यहाँ पर बोलता है डू नॉट एग्जिस्ट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट आर फ्रॉम एन पोल, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये तो बेसिक था, आपको क्लास 9 में पढ़े होंगे आपने थोड़ा बहुत, इसमें कि कोई भी एक मैग्नेट है उसमें दो पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है वो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, लेकिन इनसाइड जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इनसाइड जो होता है आपका साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा नॉर्थ से साउथ। तो आपका जो सही आंसर इसमें मैच करा लीजिए, इसमें जो आपका आंसर होगा कहां से कहां इनसाइड पूछा जाएगा तो साउथ से नॉर्थ, सही आंसर है इसका, थर्ड का डी नंबर सही आंसर है। फोर नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स और करंट दिया हुआ है, इट इज हेल्ड एट द एक्स जेड प्लेन इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी आई, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। पहली बात की जो प्लेन रखा हुआ है वो देखिए एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आई एक्स प्लेन, यहां पर ध्यान दीजिए आपसे पूछा गया कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहां से, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा।
जो प्लेन रखा गया सर्कुलर जो प्लेन है आपका एक्स जेड प्लेन में है, जो सर्कुलर क्वायर है आपका कौन सा प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड, एक्स जेड प्लेन में रखा गया यहां पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका एक्स प्लेन की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और जो यदि आप कोई भी सर्कुलर क्वायल को रखें यहां पर इस प्लेन में रखें, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन सा प्लेन में जाएगा, वाई एक्सिस के अनुरूप चला जाएगा, तो ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंगल बना, यहाँ पर जो एंगल बना कितना बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर सॉल्व कर देना है, टॉर्क का वैल्यू जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया हुआ था, एन टर्न्स तो एन लिख दिए, आई करेंट था तो आई लिख दिए, ए जो एरिया था सर्कल के एरिया से रेडियस दिया हुआ था, रेडियस इसका है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जैसे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बी है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन यहाँ पर 90 लिखेगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आई पाई आर स्क्वायर बी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देख लीजिए अपना, तो यहाँ पर आपका जो है आपका जो सही आंसर है यहाँ पर सी नंबर सही आंसर है, बी बी है पाई आर स्क्वायर है, आई या फिर गलती से यहाँ पर एल लिखा गया है, करेक्ट है ये आई दिया हुआ ऑप्शन में आपका ध्यान दीजिए, ये सारा का सारा ऑप्शन में आपका क्या आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोग बोलता है कोई बार मैग्नेट है, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2019 में पूछा हुआ है, कोई बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है जिसमें उसको एक सोलेनोइड के अंदर रखा गया है जिसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 0.2 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100 टर्न्स दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 5.2 एम्पियर, तो आपसे पूछ रहा है कोरिसिटिविटी क्या होगा। तो कोरिसिटिविटी और रिटेंटिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको दिमाग में बात रह सके। हम क्या किए, एक मैग्नेट ले लिए और इसमें मैग्नेट के पास कुछ आयरन पार्टिकल को हम लाके छोड़ दिए, कुछ आयरन पार्टिकल को लाके छोड़ दिया हम। जब ये आयरन पार्टिकल बाहर में था यहां पर इसका मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू 0 था, मैग्नेटाइजेशन 0 था मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक गुण कुछ भी नहीं था, इतना समझेगा। एच का वैल्यू 0 था मतलब उसको मैग्नेटाइज करने वाला कोई नहीं था। जब मैग्नेट को बहुत देर तक हम आयरन के साथ छोड़ दिए, सॉरी आयरन को हम बहुत देर तक मैग्नेट के साथ छोड़ दिए, तो उस आयरन पार्टिकल में मैग्नेटिक गुण आ गया। यहां तक कि क्या देखा गया कि जब हम इस मैग्नेट को वहां से हटा दे रहे होते हैं, जब हम इस मैग्नेट को यहां से रिमूव कर देंगे, मैग्नेट को रिमूव करने के बाद भी जो मेरे आयरन पार्टिकल थे वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस यहां पर मैग्नेट नहीं थी, मैग्नेटिक गुण कहां से आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब हम यहां पर एच का वैल्यू 0 कर दिया गया लेकिन एम का वैल्यू 0 नहीं है, तो इसी गुण को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी कहने का मतलब हुआ कि मैग्नेट था तो ठीक था, उसके अंदर गुण था वो समझ में आया, लेकिन मैग्नेट हटा देने के बाद भी उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, आयरन हो गया, उसके अंदर गुण रह गया, तो उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब बोलता है कि इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो उसके अपोजिट फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कोरिसिविटी, उसको भी बोलते हैं कोरिसिविटी। रिटेंटिविटी होता है कि कितना उसके अंदर मैग्नेटिक गुण रहा, कोरिसिविटी होता है कि कितना उसको अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, एच आप पढ़े होंगे, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच, और हमको निकालना है एच का वैल्यू, एच इक्वल टू हो जाएगा बी बाई म्यू नॉट। यहां पर हम एच क्या निकाल रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड उसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसको दे रहे हैं डी मैग्नेटाइज करने के लिए, वो निकाल दे रहे हैं। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई होता है डिवाइडेड म्यू नॉट, ये बी का वैल्यू निकाले सोलेनोइड के अंदर,
सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पर स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां से एन कट जाएगा, एन की जगह पर लिखते हैं एन बटा एल इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स मेरा दिया हुआ था 100, आई का वैल्यू दिया हुआ है 5.2 और लेंथ मेरा दिया हुआ 0.2, लेंथ मेरा दिया हुआ था 0.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ये 26 बार गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2600 और जो यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। चलिए कौन सा आंसर है मिला लीजिए, तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर आपका आया वो 5 का आया, आपका देख लीजिए यहां से 5 का आया बी नंबर, सही आंसर है 5 का बी नंबर। तो कोई भी एग्जाम होता है जिसमें आपको सिर्फ थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझना होता है, और एग्जाम में कभी भी बहुत हाई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है, ये भी जेई मेंस 2019 में आया हुआ है, कि कोई पारा मैग्नेटिक मटेरियल है और उसका पर वॉल्यूम में जो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दे दिया गया है इसमें, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू दिया गया है इतना 350 केल्विन पे इतना है और 300 केल्विन पे क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो आपको इतना आना चाहिए थोड़ा बहुत कि हाँ कि कोई भी चीज का मैग्नेटिक गुण जो होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है, तो यहां पर डायरेक्ट इनवर्सली रिलेशन होता है ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में, या फिर बोल सकते हैं ससेप्टिबिलिटी यहां प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट बाय टी, या फिर बोल सकते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है कॉन्स्टेंट आता है। तो यहां से हम ससेप्टिबिलिटी जो स्टार्टिंग कंडीशन में था उसको ईटा वन मान लिए, टेम्परेचर को टी वन मान लिए, अब बाद का टेम्परेचर टी टू था तो उसका ससेप्टिबिलिटी कितना हो गया ईटा टू हो गया। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, या बहुत जगह ससेप्टिबिलिटी को चाई बोला जाता है, चाई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज सही है उसी बात को ऐसे लिख सकते हैं चाई। तो काम करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए अब यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ देखिए क्या बोलता है कि स्टार्टिंग में आपका दिया हुआ था 2.8 इंटू 10 का पावर माइनस 4, टेम्परेचर कितना था 350 केल्विन, और आपसे पूछा गया था कि ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बताइए जब टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन। तो यहां से सॉल्व कर देते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा वैल्यू, जीरो से जीरो कट गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.8 इंटू 10 का पावर माइनस 4 35 बाई, ये 30 हो जाएगा, ये 5 की टेबल से कट जाएगा 7 बाय में 6 बाय में कट जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, ये 14 बाय में कट जाएगा, पावर वाला सॉरी 7 बचा तो 14 7 जा 98 हो जाएगा, 14 7 जा 98 और नीचे 3 बच जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 ये माइनस 4 था और ये 10 ऊपर चला गया तो माइनस 3 हो गया, और इसको सॉल्व कीजिएगा 3 3 9 3 2 6 पॉइंट 6 जाएगा तो 20 तो अप्रॉक्सी 6 6 के आगे चला जाएगा इंटू 10 का पावर माइनस 3, एक पावर को इधर शिफ्ट कर देंगे 3.26 इंटू 10 का पावर ये जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपका आया, 10 का पावर माइनस 4 ठीक था, जीरो कट गया 2.8 10, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस 4 था, ये 10 का पावर 1 था, यहाँ पर ये 1 था, ऊपर चला जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, ऑप्शन का पर नहीं आ रहा था, माइनस 5 हो जाएगा। अब पावर किधर शिफ्ट कीजिएगा ना, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तो मेरा सॉल्व करने के बाद आया इतना वैल्यू आ गया, ये 10 का पावर माइनस 5 हो गया, पावर को हम इधर शिफ्ट किए तो बढ़ जाएगा पावर माइनस 4। ये आपका आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है,
3.26, हाँ ए नंबर इसका मैच कर रहा है, तो 6 का जो आंसर होगा ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एआई पेपर 2004 में पूछा था कि मटेरियल टेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी, बोलता है कि अभी बताया कि रिटेंटिविटी बोलता है कितना अच्छा कितना फील अप्लाई कर दिए, मैग्नेटाइजिंग फील अप्लाई किया वो मैग्नेट बन गया, अब उसमें क्या करता है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अपोजिट फील अप्लाई करना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जनरली यूज होता है पंखा वगैरह हो गया, आप मान लीजिए आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिए तो वहां पर क्या चाहता है कि तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए और तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो यहां पर होता है क्या, मान लीजिए फील्ड देकर छोड़ दिए तो उसमें जो आपका यहाँ पर याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं तो उसको उसमें आपका रिटेंटिविटी जो होता है लो नहीं, हाई रिटेंटिविटी तो नहीं होगा, हाई रिटेंटिविटी होगा मतलब कि वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसको फिर से आपको मतलब फील जीरो करने के बाद वो मैग्नेटिक रह जाएगा उसमें। कहने का मतलब यदि आप उसमें पंखा का ऑन करके छोड़ दिए, ऑन किए पंखा स्टार्ट हो गया फिर उसको ऑफ कर दीजिएगा तो भी उसके अंदर मैग्नेटिक गुण रहेगा, बहुत देर तक चलता रह जाएगा। तो यहां बोलता नहीं कि उसमें रिटेंटिविटी लो होना चाहिए ताकि उसमें आप यदि एक बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ऑफ कर दिए मतलब करंट देना बंद कर दिए तो उसके अंदर मैग्नेटिक गुण बंद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में याद रखिएगा रिटेंटिविटी लो होना चाहिए और कोरोसिविटी लो होना चाहिए ताकि डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाए। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का आंसर जो हो जाएगा कि कैसे मटेरियल में डी नंबर, परमानेंट उल्टा होता है, परमानेंट उल्टा होता है, तो लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरोसिविटी, तो इसका जो आंसर होगा 7 का डी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, परमानेंट मैग्नेट पूछा जाएगा, परमानेंट मैग्नेट पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है परमानेंट मैग्नेट में हाई कोरोसिविटी होता है और हाई रिटेंटिविटी होता है, तो ये लार्ज, हाँ इसका सी नंबर सही है। परमानेंट मतलब पी से यहाँ डिनोट कर रहा है, दो तरह का ट्रांसफॉर्मर भी लिया है तो ट्रांसफॉर्मर में याद रखिएगा रिटेंटिविटी लो होगा और कोरोसिविटी लो होगा, तो ऑप्शन तो है नहीं, तो आपका सी नंबर सही ऑप्शन है, लार्ज रिटेंटिविटी और लार्ज कोरोसिविटी, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में हम लोग क्या चाहते हैं, परमानेंट मैग्नेट हम लोग चाहते हैं कि यदि वो एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो उसका मैग्नेटिक गुण हमेशा के लिए रह जाए, या उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए वो काफी मशक्कत करना पड़े, काफी उसको फील अप्लाई करना पड़े, तो परमानेंट मैग्नेट का रिटेंटिविटी भी हाई होता है और कोरोसिविटी भी हाई होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का उल्टा होता है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां पर याद रखिए दोनों का उल्टा होता है, परमानेंट मैग्नेट में जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को उल्टा होता है, परमानेंट मैग्नेट में क्या चाहते हैं कि उसके अंदर एक बार मैग्नेटिक गुण आ गया दोबारा डीमैग्नेटाइज हो आसानी से, तो इसका जो रिटेंटिविटी होगा और इसका जो कोरोसिविटी होगा इसमें भी याद रखिएगा हाई होगा, ये भी हाई होगा और इसमें याद रखिएगा लो होगा और ये वाला वैल्यू भी लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैग्नेटिक नीडल है फ्री टू मूव रोटेटिंग वर्टिकल प्लेन ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकली एट अ सर्टेन प्लेस ऑन द अर्थ, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस, आपको वहां जानना होता है कि एंगल ऑफ डिप होता है कभी क्या होता है, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि दो मेरिडियन होता है, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया और जो येलो वाला दिख रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहां जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसके बीच का एंगल को हम बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन का और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीच का एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। यदि आप मून अर्थ के पोल पे चले जाते हो, ध्यान दीजिए अर्थ के पोल पे चले जाते हो तो यहां पर जो मैग्नेटिक नीडल होगा कुछ इस तरह होगा ऐसे, और हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह होगा वर्टिकली, यहां जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, लेकिन यहां पर बात करते हैं
ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक मीटर। तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होता है जीरो। तो याद रखिएगा डेल्टा का वैल्यू जीरो इक्वेटर पे होता है और पोल पे कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस, तो 90 डिग्री इसका सही आंसर है। तो इसका 9 का जो आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। और ये सब सीबीएसई बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड के लिए बेसिक क्वेश्चन है, सब कंपटीशन वगैरह नहीं पूछता है। कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पता करना है आपको, तो उसमें से आपको कितना क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा। तो आपको यहाँ याद रखना है तीन क्वांटिटी की जरूरत पड़ता है। एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप होता है या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन बोलते हैं उसको, और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है तीनों, तो डायरेक्ट कर दिया है कि जो तीन ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का बिहेवियर को पता करने में यूज होता है। या बोलेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए तीन क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। 11 में क्वेश्चन होता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर आपको थोड़ा सा फिर पीछे की ओर ले जाते हैं, जो डायग्राम था यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे डिस्कस कर देते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अब क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप लोग कि जिस साइड के साथ एंगल लगा रहा था उसको कॉस इनटू करते हैं। तो जब बी का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी कॉस डेल्टा और ये हो जाएगा बी साइन डेल्टा। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, बी एच का वैल्यू होता है बी कॉस डेल्टा और वर्टिकल का वैल्यू होता है बी साइन। अरे आप चाहोगे एक ही दिन में पूरा जेईई मेंस नहीं निकालना, तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसा टीचर तो ढूंढ लो आप लोग। तो पूछता है कि एंगल ऑफ डिप यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बराबर है तो वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर दे दिया है बी एच का जो वैल्यू होता है बी कॉस डेल्टा, बी बी का वैल्यू होता है बी साइन डेल्टा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों का वैल्यू सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी साइन डेल्टा जो बराबर है किसका, बी कॉस डेल्टा का। बी से बी मर गया, कट गया, तो साइन डेल्टा कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई में कराया तो डिवाइड में, इधर बचा कितना, इधर बच गया वन। तो कुछ लिखा है हाँ। और साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा क्या होता है, अरे वही जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो होता है 10 थीटा ना, तो 10 डेल्टा 1। अब बोलेगा 10 डेल्टा 1 कितना होता नहीं पता, तो छोड़ दो फिर जेई मेंस तैयारी छोड़ दो, नेट की तैयारी छोड़ दो। 1 का वैल्यू कितना होता है 1045 होता है, 1045 का वैल्यू होता है कैसे आता नहीं पता बट होता है। यहाँ डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। देखिए तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो इसका जो आंसर 11 का डी नंबर सही आंसर है। चल नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए। बोलता है ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सबस्टांसिस, ससेप्टेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, सब रिलेटेड है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बताता है, बोलने में इतना तकलीफ हो मतलब कि दिक्कत हो रहा तो टॉपिक कितना अच्छा होगा। बोलता है कोई मैग्नेट को आप ले आए और इसके साथ हम आयरन को ले आए, कोबाल्ट को ले आए, निकेल को ले आए, मैग्नेट जो तीनों को मैग्नेटाइज करेगा, लेकिन क्या तीनों को एक से मैग्नेटाइज कर पाएगा। अरे यार छोड़ो, हम पढ़ा रहे हैं क्या, आप लोग जो सीख रहे हो जितने बच्चे यूट्यूब पे जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या लगता है सबको एक समझ में आ रहा होगा, नहीं ऐसा कोई, वो बच्चे के अंदर का गुण है कि वो कितना बेसिक उसका क्लियर है, तो उसको उसके हम सबको समझ में आएगा ना, कि ऐसा थोड़ी कम पढ़ा रहे हैं हाँ सबको एक जैसे समझ। तो ऐसा रहता है सब तो बच्चे जेईई और मेंस और नीट सब निकाल के बैठा रहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। वो बच्चे के अंदर का भी गुण डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के आए हो, बेसिक आपको कितना अच्छा स्कोर, उसके अनुसार आपको समझ में आएगा। तो बोलता है आयरन कोबाल्ट और निकेल तीनों को मैग्नेटाइज करने चल दिए, जैसे आप लोग को हम मैग्नेटाइज करते हैं, लेकिन तीनों एक जैसे मैग्नेटाइज नहीं होगा, तो जो अच्छे से होगा उसका ससेप्टेबिलिटी हाई होगा, जो नहीं हो पाएगा उसका लो होगा। तो तीन तरह का मटेरियल होता है, तो एक होता है डाई, एक होता है पारा, एक होता है डाई, एक होता है पारा, एक होता है फेरो। हम हमेशा पढ़ाने के लिए तीनों को कंपेयर करते हैं कि सबसे अच्छा वाला स्टूडेंट गुड स्टूडेंट, ये हो गया एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट इसको कंपेयर करते हैं बैड स्टूडेंट खराब वाला। इसमें क्या होगा फैरो जो होगा, फैरो में तीनों आ गया, पारा में आपका आ जाता है
और डाई में भी आपका आता है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब आता पारा में। तो सवाल उठता है यहाँ पर कि सब एक जैसा मैग्नेटाइट नहीं होगा। अभी बच्चा देखो ये अच्छा वाला स्टूडेंट है, आप लोग अच्छे वाला मान लिया तो फेरो में आते हो तो आप सीख रहे हो हर चीज, ये एवरेज है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है, लेकिन इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, उसे कमेंटबाजी कर सकता है, उसे कोई मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, तो इसका बहुत देखिए ये डाय में आ गया, तो डाय का जो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, तो आप अपोज कर रहा है, जो पढ़ रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना आपको वैलिड होगा नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी, पारा का थोड़ा बहुत ठीक है पॉजिटिव होगा लेकिन छोटा वैल्यू होगा, और फैरो का लार्ज होगा और सबसे अच्छा वैल्यू होगा। तो इसका आंसर 12 का ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, ये सही है। इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइन गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नहीं ये गलत है, साउथ से नॉर्थ होता है इनसाइड और आउटसाइड होता है आपका नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, लेकिन बोल दिया कि नॉर्थ से साउथ इनसाइड होगा, लेकिन जो कि गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है, नॉट करेक्ट पूछा था, ये सही बात नहीं, मतलब ऑप्शन सही है आपका। बाकी मिला लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज बनाता सही है, और डायरेक्शन जो होगा टेंजेंट होगा, डायरेक्शन देगा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि एंगल ऑफ डिप 90 कहां होता है, अभी समझाया बच्चों, बार बार पता समझाया, पोल पे होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एंगल ऑफ डिप पूछा गया। अभी जैसे बताया था आप लोगों कि जो बी एच का वैल्यू था बी कॉस डेल्टा, बी वी का जो वैल्यू था बी साइन डेल्टा, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो बी वी बाई बी एच मेरा आया था 10 डेल्टा। चल यहाँ का तो कहानी सीख है, ठीक है, तो डेल्टा निकाल लीजिए, तो 10 इनवर्स बी वी बाई बी एच आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बीवी और बीएच नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका एक दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल बीएच का मान दिया हुआ है 0.3 गॉस, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 गॉस। यहां से पहला काम आपको निकालना होगा बीवी, तो इसको कुछ नहीं करना, ये रिलेशन निकल जाता है, ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, तो मतलब टाइम नहीं मेरे पास, डायरेक्ट हम रिलेशन लिख दे रहे हैं, b इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एच, यहां से बीवी निकाल दीजिए, तो बीवी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी एच का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, बी का वैल्यू दिया 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 15 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 में 9 तो 0.16 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.4। तो ये वैल्यू निकल गया किसका, बीवी का, मेरा काम बन गया। देखिए डेल्टा निकल गया ना, 10 इनवर्स बीएच का मान कितना था, बीएच का मान 0.3 डिवाइडेड 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 10 इनवर्स 3/4। चल देखते कौन सा आंसर आया, आया नहीं आया, हाँ आ तो रहा है, इसका आंसर जो सही आंसर है बी नंबर, इसका 10 इनवर्स बीवी बाई बी एच, बीवी का वैल्यू कितना निकालेंगे हम लोग 0.4, बीवी का वैल्यू दोनों दिया 4/3, यहां पर मिस्टेक हुआ, चलो बीवी का वैल्यू देखिए, अब बीवी का वैल्यू 0.4 आया है ना, ऑफलाइन में फायदा है, ऑनलाइन देखे यदि हम बता देते आपको तो सही मान लेते, ऑफलाइन का तुरंत बोलते सर मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, तो ध्यान में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ठीक था, बीवी का वैल्यू 0.4 था, 0.4 है, और बीएच का वैल्यू कितना है 0.3 है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहां पर आएगा 4/3। इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर आपका होगा, तो इसमें ये ऑप्शन आपका गलत है, ये सही है,
वन नंबर 15 का वन होगा सही। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस ऑन द अर्थ गिव्स क्या देता है, फिर बताया ना एंगल ऑफ डिप क्या देगा, डायरेक्शन देता है, अर्थ मैग्नेटिक बोलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा, लोकेशन देगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, अर्थ का मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगा, फिर बाकी उसे निकल जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बोलता है एट अ सर्टेन प्लेस ऑन द अर्थ बीएच का वैल्यू दिया तो डीप एंगल क्या, अभी पका रहा है बार बार कोई, जब अभी क्या निकाल रहा था हमला भी कर रहा है हम लोग tan डेल्टा इक्वल टू आया था bb / bh ना। हाँ अभी देख लीजिए हम अपने फिगर लगाएंगे आंसर ये होगा tan डेल्टा का वैल्यू कितना आया था, tan डेल्टा का वैल्यू था bb / bh, चलिए वैल्यू पुट कीजिए यहां पर तो tan डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, अब क्वेश्चन में क्या दिया bh इक्वल टू ना, तो चलो ठीक है ना, तो bb रहने दो, bh का वैल्यू पुट कर दो 1/√3 और bb ना दे दिया क्वेश्चन तुम देते हैं देखो बी एच इक्वल टू दे दिया वैल्यू 1/√3 बी बी, तो हम कुछ नहीं किए, इसका जो वैल्यू था यहाँ बी एच का वैल्यू पुट कर दिया, बी बी से बी बी कट गया रूट थ्री ऊपर चला गया तो टेन डेल्टा का वैल्यू आ गया रूट थ्री, और रूट थ्री किसका मान होता है टेन में, ये बात तो नहीं पता होगा आपको, ये तो पढ़ाया नहीं गया होगा, याद रखिएगा किसका 60, इसका आंसर 60 है। चलो इसका जो बिना गलती की एक बार बना दिए तो 17 का आंसर ए नंबर होगा। 18 का देखिए बोलता बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आई मीन एम इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पार्ट इज, कुछ काम नहीं काटते हैं मैग्नेट का, एक मैग्नेट ले लो इसमें नॉट पोल सॉ पोल, इसका लंबाई 12 मान लिए, अब मैग्नेटिक मोमेंट एम दिया हुआ, पोल स्ट्रेंथ को मान लिए स्मॉल एम, ठीक है इसको दोबारा काट दो, अब हमको कितना मैग्नेट मिलेगा, दो मैग्नेट मिल जाएगा ns ns, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m हो जाएगा लेकिन लेंथ घट गया, चलो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m हो जाएगा, मैग्नेटिक सॉरी पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि हम इसको कट किस तरह कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कट कर रहे हैं, लेकिन लेंथ घट गया और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू qm इनटू 2l, लेंथ पे डिपेंड करता है ना, लेंथ कितना हो गया हाफ हो गया, या मैग्नेटिक मोमेंट पहले ही इतना था, अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कितना आया, क्यू एम कितना ही रह गया, लेंथ के जगह पे कितना ले लिया हम लोग एल ले लिए, तो यहाँ से और एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू एल का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्यू एम इंटू एल का वैल्यू हो जाएगा एम बाई टू, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा एम बाई टू, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा पहले का आधा हो जाएगा। चलो मैच कराते हैं कौन सा आंसर चाहिए, एम में कोई चेंजिंग नहीं एम बाई टू, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर। फिर से लफड़ा, फिर बोलता है किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू एम इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, ये होता है फॉर्मूला, और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है कहां से कहां होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर कितना डायग्राम है, चार डायग्राम है, लेकिन चारों में से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालो कितना का आ रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर फर्स्ट में जो है ये बोलता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, इसका डायरेक्शन ऊपर चला गया, बीच में एंगल कितना बन गया थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यहां पर देखिए साउथ से नॉर्थ गया और ये साउथ नॉर्थ गया, यहाँ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो कहाँ निकलेगा इसका नेट मैग्नेटिक, ये तो होगा नहीं, हाईएस्ट पूछ रहा है हाईएस्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर होगा इसका ऊपर की होगा, एंगल तो थीटा 30 हो गया, इसका साउथ से नॉर्थ इसका साउथ से नॉर्थ 60 होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका आर इक्वल टू पढ़े होंगे पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा 2PQ cos थीटा, तो यदि आप बारी बारी से निकाल लीजिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ, इसका भी m मान लीजिए, इसका m दिया हुआ इसका m मान लीजिए, इसका m दिया हुआ इसका m मान लीजिए, और तीनों को सॉल्व कीजिए इतना क्या, ये 90 वाला सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा m का स्क्वायर और ये वाला cos 90 जीरो हो जाएगा, तो जीरो कर देगा इसको, तो इसको सॉल्व कीजिए तो r 90 आपका आ जाएगा, m स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 m आ जाएगा रिजल्ट जो होगा 90 के लिए,
इसी तरह निकाल लीजिए 30 के लिए 60 के लिए, देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। फिर निकालेंगे तो 30 के लिए तो रूट अंडर एम का स्क्वायर टू पी एन की दोनों एम एम है कॉस 30 ये हो जाएगा 2m² प्लस 2m² कॉस 30 का वैल्यू जब 3/2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा ये हो जाएगा अंडर एम स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे 2+√3 ये हो जाएगा रूट अंडर 2+√3 एम हो जाएगा। और 60 के लिए निकाल लीजिए, 60 के लिए निकाल देंगे आ जाएगा m² प्लस 2m² कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा ये हो जाएगा 2m² हो जाएगा m² जोड़ेंगे 3m² हो जाएगा प्लस 2m² कॉस 60 का वैल्यू 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा ये हो जाएगा 3m² ये हो जाएगा √3 इनटू m आ जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा कौन आ रहा है 1.73 ये तो छोटा हो जाएगा स्क्वायर के लिए सबसे बड़ा नंबर ये वाला है तो कितना आएगा के लिए 30 के लिए तो इसमें जो आंसर होगा इसका इसका आंसर 30 वाला 30 वाला में कौन देख लो 30 वाला में सी है ना सी इसका आंसर होगा सी नंबर सही आंसर है। चले आगे देखिए If number of turns, area and current through a coil are given by NAI respectively then the magnetic moment is given by the formula. Magnetic moment का formula क्या होता है? Mu equal to NIA. तो direct formula 20 का ये number answer है। A wire of length m meter carrying a current of I ampere is bent in the form of circle with magnetic moment. अभी बताएं magnetic moment का formula परेशान क्यों कर रहे हो बार बार n i a होता है ठीक है और length इसका कोई wire था इसका लंबाई l था उसको बड़ा मान circle होने का circle कर दो। अब पूछा गया तो area of circle क्या हो जाएगा इसका radius क्या मान लिए हम लोग r मान लेंगे पहले तार था ये तार को फोल्ड कर दिए तो यहाँ एरिया सर्कल लेना पड़ेगा तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एन आई ए पाई आर स्क्वायर का आंसर ओ एल के टाइम में दिया हुआ है तो हाँ देखो इस तार का जो लंबाई होगा एल है और इसका जो लंबाई होगा तो 2πr जो सर्कम फेरेंस हो जाएगा एल के बराबर हो जाएगा था सात में निकाल लो तो एल बाई कितना हो गया 2π तो यहाँ सात में कुछ कर देते जैसे कितना आ रहा है एन आई पाई एल बाई 2π का होल स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा एन आई पाई एल स्क्वायर 2 × 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा एक पाई कट जाएगा तो जाएगा एन आई पाई पाई तो कट गया है ना वो तो यहाँ बच जाएगा एल स्क्वायर बाई और एक पाई नीचे बचेगा ये तो ऑप्शन पक्का होगा एन आई। और नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पर एक सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो वन था ना क्योंकि सिंगल था तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा आई एल स्क्वायर 4π। अब देखिए आई एल स्क्वायर 4π है आई एल स्क्वायर 4π हाँ फर्स्ट नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू है जिसका रेडियस आर दिया हुआ जिस सर्कल में घूम रहा है स्पीड भी दिया हुआ है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी बताया म्यू इक्वल टू क्या होता है करेंट इनटू एरिया एरिया का फॉर्मूला आपको पता है पाई इनटू आर स्क्वायर हो जाएगा तो करेंट क्यू का टर्म मिलाना है तो करेंट का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई टी पाई आर स्क्वायर हो गया आपका और स्पीड का टर्म मिलाना है तो आपको पता है यदि कोई चीज सर्कल में घूम रहा है और इसका रेडियस आर दिया हुआ वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो यहाँ पर जो एक सर्कल करने में जो कंप्लीट करने में जो समय लगता है टाइम पीरियड बोलते हैं तो यहाँ से टी निकाल लो इसको हम इक्वेशन वन मान लिए तो टाइम पीरियड कैसे निकल जाएगा डिस्टेंस पता स्पीड तो डिस्टेंस कितना दूरी तय करेगा 2πr और स्पीड कितना वी चल टी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी के जगह पर जाएगा 2πr वी को ऊपर ले जाए इंटू कितना पाई आर स्क्वायर पाई से पाई कर दिया आर से आर कर दिया तो हो जाएगा क्यू वी एक आर बचेगा नीचे कितना 2 तो म्यू का वैल्यू आ गया क्यू वी आर बटा
टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर है। ये सारा भी क्वेश्चन भी कंपटीशन में आया हुआ, ऐसे नहीं कि नहीं लिखा तो नहीं आया हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता बार मैग्नेटिक मोमेंट एम दिया हुआ और मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इसे, तो ये टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा होता है ना, वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई, यहाँ पर याद रखिएगा टॉर्क का फॉर्मूला पी के जगह पे एम आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट और ई के जगह पे बी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर है एम क्रॉस बी, जिसके बाद 23 का आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एम से दिखा रहे हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है 2×10⁴ जूल पर टेस्ला, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 6×10⁻⁴ टेस्ला, वर्क डन चाहिए आपको फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू फील्ड डायरेक्शन 60 डिग्री, थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया क्या वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अरे कुछ नहीं करना भाई, जो दिया रहेगा वो लिखो, कम से कम इतना तो समझना चाहिए ना आपको क्या क्या दिया हुआ। देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ये बी का वैल्यू दिया हुआ है, पैरेलल जहां देखेगा ना 0 मान लेना, ठीक, कितना घुमाना है उसको 60 डिग्री, थीटा 1 से थीटा 2 मान लिया, चलो निकालते हैं देखते हैं, एम का वैल्यू दिया हुआ है 2×10⁴, बी का वैल्यू 6×10⁻⁴ cos 0 माइनस cos 60, ये हो जाएगा 6×12 हो गया इंटू यहाँ पर आपका आ गया 12, ये तो कट जाएगा ना प्लस माइनस, तो cos 0.1 cos 60 1/2, 1 माइनस 1/2 हो गया, ये कट जाएगा 6 जूल आपका आंसर है ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही ऑप्शन है, कुछ नहीं करना था सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना था, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देता है कि क्विक, फिर देखिए भाई सब क्वेश्चन एक ही जैसा दे रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट को कहीं न्यू से दिखाता कहीं एम से दिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.4 जूल पर टेस्ला, प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 टेस्ला, 0.16 टेस्ला सॉरी, और पूछा गया मैग्नेटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, याद रखिएगा थीटा 1 का वैल्यू यहाँ पर, थीटा 1 यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा, मैग्नेटिक जो मोमेंट का वैल्यू होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी रहेगा तो यू का जो वैल्यू होता है वो माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा, यहाँ पर याद रखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पर, या यू का जो फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, माइनस एम के जगह वैल्यू पुट कर देंगे 0.4, बी के जगह पे 0.16 और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 रखिएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और थीटा 180 लीजिएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो यहाँ पर ले लेंगे कॉस 0, ये हो जाएगा 0.-0.4×0.16×1, तो पॉइंट हटा दीजिए नीचे 10 हो गया, तो हो जाएगा 64/1230 0.064 जूल आंसर आया, 0.064 और माइनस में था ये आपका आंसर आएगा माइनस, माइनस प्लस दोनों में दिया था तो यहाँ पर आपका भी मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि स्टेबल जब भी रहेगा तब आपका एनर्जी जो रहेगा नेगेटिव आएगा, इसका जो आंसर होगा सी नंबर सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर क्वायर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया यहाँ पर, एन का वैल्यू दिया गया 250 और लेंथ दिया गया है इसका 2.1 और ब्रेथ दिया गया है इसका 1.25, ये सेंटीमीटर में बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, करंट दिया गया है 85 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है 0.85 टेस्ला और वर्क डन चाहिए 180 डिग्री अगेंस्ट टॉर्क, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द क्वायर बाय 180 डिग्री, स्टार्टिंग में कहाँ रखा हुआ था ये,
कैरी द करंट उतना सब्स्टिट्यूट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। तो 180 डिग्री दिया हुआ, थीटा वाले यहां पर 0 ले लेंगे और थीटा को कितना ले लेंगे 180 डिग्री। अरे घुमाना है, वो कहीं से रेफरेंस पॉइंट रखोगे तो 0 से कितना ले लिए 180। चलो वर्क का फार्मूला बता रहा है, वर्क का फार्मूला बताएंगे mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये क्वेश्चन देखो कहां पर आया हुआ है, नीट में 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो m का फॉर्मूला बताओ, n i a फिर जाएगा b cos थीटा 1 cos 0 माइनस cos 180। इसे बाद में पुट कर देंगे n i a, अभी तो सॉल्व कर लेते हैं। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का वैल्यू बताइए। नहीं पता छोड़ दो, फिर नीचे क्या करना, ये माइनस का ये माइनस 1 होता है, ये हो जाएगा n i a b और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। चलो अब यहां सबका वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, लो यहाँ पर जगह कम है इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। चलो जैसा का वैल्यू बताइए, तो W इक्वल टू हो जाएगा एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिए थे 250, यहाँ पर कैपिटल एन लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को हमें जनरली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से दिखाते हैं और वो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, आंसर सेम आ रहा था 250। करंट का वैल्यू 85 माइक्रो एम्पियर, जब भी न्यूमेरिकल्स बनाइए एसआई सिस्टम में लगा बनाइएगा, इसको हम एम्पियर में ले आए तो 85 × 10⁻¹⁵ इनटू 2 ले लिए, ये वाला प्रूफ, ये वाला लास्ट वाला। चलो सॉल्व कीजिए इसको, तो ये इसको तो ध्यान रखो 250 को 2 से इनटू कीजिए, ये वाला ये दोनों को इनटू कर दीजिए 500 हो गया, 85 हो गया, 2.1 हो गया, 1.25 हो गया। अब देखो कैसे तक काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया ना, ये वाला बचा रह गया ना, ये वाला दो बार कैसे आ गया, बी और आई दोनों एक साथ दिया हुआ था, 0.85। चलिए पावर वाला पहले कहानी कमिट कर लेते हैं, इसको चिंतित कीजिए, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 8 × 5 = 40 = 425 और 2 0 आ जाएगा 2.1 × 1.25 × 0.85 हो गया। और ये जो पावर था, पावर कितना माइनस से माइनस 4, ये हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा × 10⁻¹। चले हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें आपका जो सॉल्व करना रह गया, अब इस बात को लिख सकते हैं 4.25 × 10⁴ लिख सकते हैं हम, अब इसको इंटू करते हैं 2.1 × 1.25 × 0.85 × 10⁻¹⁰। अब ये हो जाएगा 4.25 × 2.1 × 1.25 × 10⁴ और माइनस 10 से 10⁻¹⁶ हो जाएगा और 0.85 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग लाना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये दोनों को इंटू कीजिए, इससे कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1 × 5 = 21 से करते 5 × 5 = 2 × 2 = 1 × 1 = 25 हो गया, ये 0 × 52 = 2625। तो ये आपका आ गया 4.25 × 2.625 × 10⁻¹⁶ × 0.85। अब यहां पर आप अप्रोक्सीमेट आप ला सकते हो, इसका जब वैल्यू पुट करोगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 point something आएगा, उसको भी इससे इंटू करोगे तो 9 something जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट आप 1 ले सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेट 1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 × 2 = 8 9 something आएगा × 10⁻¹⁶ × 10⁻¹⁶। तो ऑप्शन देखते हैं कहीं पर इसका मैच कर रहा नहीं कर रहा, हाँ
और ये आपका है जूल में, इसको आप अब इसी बात को आप 9 माइक्रो जूल 9.1 समथिंग ले रहा है, तो आप घर में कैलकुलेशन करते हैं आप इतना, जैसे इससे नजदीक कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, 9.1 इससे नजदीक कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका आंसर कौन सा होगा 26 का ए नंबर सही आंसर है। तो कभी कभार कैलकुलेशन एक आध क्वेश्चन दिया रहता है, उसको दिक्कत नहीं आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बार मैग्नेट है, उसको हंग मतलब लटकाया गया है कॉटन थ्रेड से, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री W द नेट टॉर्क क्या होगा। यहाँ पर W का वैल्यू हो जाएगा MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा MB sin 60। थीटा कितना 60 डिग्री लाना ना आपको, तो 0 से 60 लेके जाना है आपको, तो यहाँ पर थीटा बना सकते कितना लेना W का वैल्यू, पहले तो 0 में था ना इक्विलिब्रियम में था, तो cos 0 माइनस cos 60, यहाँ से MB का वैल्यू निकाल लेंगे, MB cos 0 का वैल्यू, इस सारे क्वेश्चन एक बार और हम बना चुके पहले, cos 60 1/2 हो जाएगा, तो ये MB बाई 2 हो गया, तो यहाँ से MB का वैल्यू निकाल लीजिए 2W हो गया, 2 टाइम्स वर्क हो गया, तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू निकालो, टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल हो जाएगा MB की जगह पे हम लिख सकते हैं 2ω या 2W, और थीटा 60 था तो 3/2, ये दोनों दो दो कट जाएगा, तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स W। इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर सही ऑप्शन है। और हाँ, बीच में लगता होगा कि नहीं कि हाँ आपको इंटरटेन करने के लिए कोई नहीं है, अरे बच्चों पढ़ लो, पढ़ने बाकी टाइम इंटरटेन कर लेना, उसे कोई दिक्कत नहीं। अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिकल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अर्थ जो आपका बिहेव करता है मैग्नेट के जैसा, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, पता नहीं क्या दिक्कत है उन लोगों को समझ नहीं आया था, उतना भी टफ नहीं है इसी समझना। देखिए ये आपका अर्थ है, तो इसमें जो नॉर्थ और साउथ दिशा कर देना, वो एक्सिस पे जिस तरह अर्थ घूम रहा है, तो जो सबसे ऊपर वाला पोल होता है नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले का साउथ बोलते हैं, लेकिन कंडीशन है कौन सा पोल है, ये ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ होता है, और जो हम लोग का जो कंपास रहता है वही ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ बताता है, कंपास जो निडल रहता है, कंपास जो हम लोग का जो भागता है कुछ इस तरह भागता है, इस वे में भागता है कंपास, थोड़ा सा अलग भागता है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ मैग्नेटिक हो गया, बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट का ये इंडिकेशन होता है, लेकिन जो अर्थ का जो अपना मैग्नेट होता है वो उल्टा होता है, वो एक जगह पोल जाकर नहीं रुकेगा, तो अर्थ का जो हो गया ये अर्थ का साउथ पोल होता है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा आपका ज्योग्राफिकल से देखेंगे, ज्योग्राफिकल से देखिएगा तो नॉर्थ से साउथ में जाएगा, ज्योग्राफिकल से देखिएगा तब, ऐसे अर्थ का देखिएगा तो साउथ से नॉर्थ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा नॉर्थ टू साउथ सही आंसर 28 का ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बताए थे, बार बार बताएंगे, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी से, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड, यहां पर होगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, 28 का जो आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अर्थ का होगा वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होगा, तो कॉन्स्टेंट तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 30 का डी नंबर सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो √3 टाइम्स होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बीवी का मान होगा वो √3 टाइम्स होगा हॉरिजॉन्टल का, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, हाँ, तो आपसे क्या पूछा गया डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको तो पता होगा कि 10 डेल्टा किसके बराबर होता है, बीवी बाय डीए, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो चलो वैल्यू पुट कर दो, बीवी की जगह पे लिखेंगे √3 बीएच, यहां हो जाएगा बीएच, बीएच से बीएच कट गया, √3 किसका वैल्यू होता है 1060 का होता है, यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, सही आंसर है आपका, तो इसका जो आंसर होगा 31 का सी नंबर
सही आंसर आपका। 32 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन एआईटी पहली 2006 में पूछा हुआ है कि तीन तरह का मैग्नेटिक है मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अभी बताया कि तीनों में गुण क्या है कि फेरोमैग्नेटिक होता है आसानी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक आएगा बट धीरे धीरे, और डायमैग्नेटिक को मतलब ही नहीं और दुर्भाग्य। अरे भी एग्जांपल के तीन बच्चा था ना, पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट एक था, कि हाँ टेम्पररी स्टूडेंट एक था, कि कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, बस एक क्लास को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर आपको फेरो जो होता है, फेरो, पारा और डाय, ये वीकली रिपेयर करेगा, ये वीकली अट्रैक्ट करेगा, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा वीकली और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। वीकली चलो स्ट्रांगली। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि N1 जो है वो फेरो का है, N2 पारा का है, N3 डाई का है। तो N1 बोलता है कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट सही है, लेकिन बोलता है N2 N3 नहीं, ये दोनों रिपेयर नहीं करेगा, सारा का सारा अट्रैक्ट नहीं करेगा, N1 N2 स्ट्रांगली करेगा नहीं, N1 स्ट्रांगली करेगा, N2 वीकली अटैक करेगा, और ये हाँ इसका जो सही आंसर है डी नंबर। ये भी क्वेश्चन आपका AIIT पर इधर से पूछा हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है 32 का डी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्यूरीज टेम्परेचर। तो क्यूरीज टेम्परेचर का डेफिनेशन ही बोलता है कि जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, इतना तो पता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर खोएगा। तो फेरो मैग्नेटिक सबसे अच्छा होता है, उसके बाद पारा होता है, उसके बाद कौन होता है, डाई होता है। तो फेरो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पारा में। तो फेरो मैग्नेटिक बिकम्स पारा, सही है। तो 33 का आंसर होगा ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है परफेक्टली डाय मैग्नेटिक स्फीयर है, इस क्वेश्चन जेई मेन 2020 पूछा हुआ था, और बीच में एक कैविटी है। मान लीजिए ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, डाय मैग्नेटिक है, अब बीच में छुटकू सा ये स्फीयर, ये पारा मैग्नेटिक है, ये पारा है और ये डाई है, और यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ यहां पर फील्ड क्या होगा, तो डाई का काम ही क्या है, डिस्टर्ब करना। मान लो पूरा क्लास में 99 बच्चा हल्ला करने वाला, एक बच्चा मात्र पढ़ने वाला है, तो क्या फील्ड का असर उस पर होगा, नहीं। वहां डोमिनेट कौन हो जाएगा, जो हल्ला करने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा जीरो, उसके अंदर कोई भी चीज फील्ड में काम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आज का क्लास कैसा लगा, क्लास नहीं है वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी आप लोगों के सामने बहुत सारा वीडियो आने वाला है, चैप्टर 6 का भी, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और क्लास 11 का सारा वीडियो आएगा। और यदि आपको कोई वीडियो पीछे वाला छूटा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ सब देख लीजिएगा। और यदि आप हजारीबाग साइड रहते हो इधर कहीं पर, तो आप ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।